हे एवरीवन, आज बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ज्वार के आटे का हलवा। ज्वार एक ग्लूटेन फ्री मिलेट है जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसे हर किसी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और डाइजेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो चलिए इस सुपर फूड से बनाते हैं बहुत ही कम मेहनत में एक लाजवाब हलवा की रेसिपी। तो सबसे पहले हमें एक गहरे तले वाली नॉन स्टिक कढ़ाई ले लेनी है। गैस ऑन करके कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है, इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून घी। जब घी हल्का सा गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो पर कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 कप ज्वार का आटा। हल्का सा इसे चला लेंगे। फिर डालेंगे 2 टेबलस्पून सूजी और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक लो फ्लेम पर ही भून लेंगे अच्छे से। करीब 15 से 20 मिनट इसे गोल्डन ब्राउन होने में लगते हैं, तो पेशेंटली हमें लगातार इसे चलाते हुए भून लेना है। लगातार चलाते हुए हमें इसे इसलिए भुनना है ताकि ये सभी तरफ से इवनली गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए और ये नीचे से जले भी नहीं। मैंने इसमें थोड़ा सा सूजी भी इसलिए मिलाया है ताकि हलवा का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा दरदरा लगे और खाने से ये मुँह में चिपके भी ना। 15 से 20 मिनट हो गया है और अब आप देख सकते हैं इसमें गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, या जब ये बिस्किट के कलर का हो जाए तो आप समझ जाए कि आटा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे अपने पसंद के कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 10 से 15 बारीक कटे हुए बादाम और 10 से 15 किशमिश। इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। आप देख सकते हैं बादाम में हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है और किशमिश भी फूल चुकी है अच्छे से। तो अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी और फटाफट से इन्हें मिला लेंगे। इन्हें हमें तब तक चलाते हुए पकाना है जब तक ये थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। 2 से 3 मिनट में इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। अब हमें इसमें डालना है 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। अच्छे से इसे मिला लेंगे। फ्लेम को मीडियम पर कर लेंगे और इसमें डालेंगे अब 3 से 4 टेबलस्पून चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, या आप चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं। चीनी को 2 से 3 मिनट पका लेना है इसके साथ। आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से घुल गई है और घी भी अलग नज़र आ रहा है, मतलब ये बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो लीजिए, बनकर रेडी है ये बहुत ही क्विक एंड ईजी ज्वार के हलवा की रेसिपी। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें, ये गर्म ही बहुत अच्छी लगती है खाने में। अगर आपको ज्वार के हलवा की रेसिपी अच्छी लगी हो और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू, टेक केयर।